आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 4 सितंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता के हित में बस ऑपरेटर्स की समस्याओं को दूर करने के लिए यात्री बसों के सुचारू संचालन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बस संचालकों एवं उससे जुड़े लोगों की परेशानियों को दृष्टिगत यात्री बसों पर देय मासिक वाहन कर को 1 अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि तक पूर्णतः माफ किया जाएगा। साथ ही यात्री बसों के संचालन की स्थिति पुनः सामान्य रूप सके इसको दृष्टिगत रखते हुए माह सितंबर 2020 के देय मासिक वाहन कर में 50% की छूट एवं वाहन कर जमा करने की तिथि को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बस ऑपरेटर्स और प्रदेश की जनता के हित में लिए गए इस निर्णय से अब प्रदेश में पूर्ण क्षमता के साथ बसें पुनः चालू हो जाएंगी। इससे जहां एक ओर आमजन को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी, वहीं दूसरी ओर यात्री बसों से जुड़े रोजगार प्रारंभ हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन के कारण बसों का संचालन प्रतिबंधित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार उनके संचालन की क्रमशः अनुमतियां भी दी गई हैं, किंतु व्यवहारिक रूप से बसों का संचालन सामान्य रूप से नहीं हो सका। राज्य शासन द्वारा लिए गए उक्त निर्णय से प्रदेश के बस ऑपरेटर्स की परेशानियां खत्म होंगी और आम जन की सुविधा के लिए अब बसों का पूरी क्षमता के साथ संचालन शुरू हो सकेगा। इसी क्रम में यात्री किराए के पुनर्निर्धारण के लिए किराया निर्धारण समिति को जिम्मेदारी सौंपते हुए शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चल रही चुनाव की तारीखों को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ होने लगी है। चुनाव आयोग ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि देश में विधानसभा और लोकसभा की सभी सीटों पर उपचुनाव 29 नवंबर से पहले हो जाएंगे। यह उपचुनाव बिहार विधानसभा के चुनावों के साथ ही कराए जाएंगे। दोनों ही चुनावों की तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में रिक्त पड़ी 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। दिल्ली में शुक्रवार को हुई चुनाव आयोग की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके तहत देश भर में 64 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में इन सभी सीटों पर उपचुनाव बिहार विधानसभा के चुनाव के साथ कराए जाएंगे। बिहार में 29 नवंबर से पहले चुनाव संपन्न होना है। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। यह देश में अब तक का सबसे बड़ा उपचुनाव है जिसमें एक साथ 27 सीटों पर वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश समेत जिन 8 राज्यों में उपचुनाव होना है उनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, असम, केरल, नागालैंड शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक 27 सीटों पर उपचुनाव मध्य प्रदेश में होना है। चुनाव आयोग ने हालांकि कहा है कि तारीखों का ऐलान उचित समय पर कर दिया जाएगा, साथ ही जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनकी तारीखों का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। कोरोना वायरस के बीच जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौटने में लगी है। अनलॉक 4 के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि स्कूल कब खुलेंगे। स्कूलों के खुलने को लेकर मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने निजी स्कूलों को फीस मामले को लेकर भी कहा कि हम इसके लिए कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्कूल खोलने के समय पर कहा कि अभी कोरोना काल चल रहा है, भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है हम उसका पालन करेंगे। अभी हम स्कूल नहीं खोल सकते हैं, फिलहाल स्कूलों को बंद रखना पड़ेगा क्योंकि अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया उसका जवाब भी हमें ही देना है, इसलिए अब हमारी यह मजबूरी है। बता दें कि केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन में 30 सितंबर तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। निजी स्कूलों की फीस को लेकर मंत्री ने कहा, हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के फीस वसूलने पर रोक लगाई है, वह सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि कहीं पर फीस वसूली जा रही है और उसकी शिकायत मिली तो हम स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि निजी स्कूलों पर सरकार का बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं है, फीस वाले मामले में खासकर इसे लेकर हम कानून भी बनाने जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि फीस जमा नहीं होने पर भी छात्रों के नाम नहीं काटे जाएंगे। निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ किया है कि निजी स्कूल फीस नहीं वसूल सकते हैं, केवल ट्यूशन फीस लेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कोविड वार्ड से एक मरीज ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मरीज प्रमोद सोनकर ने अस्पताल के शौचालय से छलांग लगाई और मौत को गले लगा लिया। घटना की जानकारी पर कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जांच कमेटी गठित कर दी है जो इस मामले की जांच करेगी। इससे पहले यहां से 2 मरीज कूदने की कोशिश कर चुके हैं जिन्हें समय रहते बचा लिया गया था। इससे पहले 23 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोविड 19 सेंटर से सुबह एक मरीज ने छलांग लगाने की कोशिश की। एक मरीज खिड़की से निकलकर अस्पताल की 3री मंजिल पर आकर कूदने के लिए बैठा था। इसी बीच अस्पताल कर्मियों को पता चल गया और उसे बचा लिया गया। यह वार्ड में 3री मंजिल पर है जिसमें मरीज भर्ती था। घटना के बाद हड़कंप मच गया। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने इस तरह के मामलों से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल कराधान अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार के परिवहन विभाग प्रमुख सचिव व परिवहन आयुक्त को नोटिस जारी किए। चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस सुजय पाल की डिवीजन बेंच ने पूछा कि सवारियों की बजाय सीट क्षमता के आधार पर वाहनों से टैक्स क्यों वसूला जा रहा है। कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक जवाब मांगा। जबलपुर के बस ऑपरेटर वीरेंद्र कुमार साहू व अन्य की ओर से याचिका दायर की गई। अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी ने तर्क दिया कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार वाहन में बैठी सवारियों के आधार पर टैक्स वसूला जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल कराधान अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्टेज कैरेज परमिट के वाहनों से उनकी सवारियां बिठाने की क्षमता के आधार पर टैक्स लगाया जा रहा है। यह संविधान का उल्लंघन है। अधिनियम के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया जाए। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 40 लाख के करीब पहुंच रहा है। वर्तमान में यह आंकड़ा 39,52,225 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 22,10,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 8,36,874 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 30,46,044 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 68,707 है। अब तक देश में कुल 4,66,79,145 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। इधर मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 68,000 से ज्यादा हो गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 37,327 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 68,586 पहुँच गया है जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 14,888, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 52,215, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1,483 है। प्रदेश में अब तक 14,40,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,000 से ज्यादा है उनमें वर्तमान में इंदौर में 13,752 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 3,849, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 406 है। भोपाल में 11,056 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,560, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 296। ग्वालियर में 5,861 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,598, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 58। जबलपुर में कुल 4,452 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 1,005, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 88। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 2,117 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 122 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 15। उज्जैन में 1,862 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 294, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 80। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 1,693, एक्टिव मरीजों की तादाद 344, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 28। नीमच में कुल मरीजों की संख्या 1,269 में से एक्टिव मरीज 225, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 17। बड़वानी में कुल 1,166 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 118, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 15। सागर में 1,198 कुल मरीजों में से 188 एक्टिव एवं मरने वालों की तादाद 55। रतलाम में 1,074 मरीजों में से
एक्टिव की तादाद 250, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 19 है। शिवपुरी में कुल 1057 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 449 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 7 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। इसके साथ ही निवारी, डिंडोरी और उमरिया में भी मरीजों की तादाद 200 से कम है। शेष जगहों पर मरीजों की तादाद 200 से ज्यादा पहुंच गई है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 4 सितंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 5 सितंबर को ऑडियो बुलेटिन का अवकाश रहेगा, इसलिए रविवार 6 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE, इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा, ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको, अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो तीन ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा, ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत देखने दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये आप, हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज्ड। और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए लाल के बाद, वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन, और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल्स, सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप, अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण, जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा, ऐड को अगर आप देखिए, विज्ञापन आपको दिखते हैं। इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए, और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरे को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं, अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़, वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।